एस ब्रजेश मेहरोत्रा बने हैं बिहार के मुख्य सचिव। कशिश न्यूज की खबर पर बल मुहर लग गई। आपको बता दें 4 मार्च 2024 के प्रभाव से मुख्य सचिव बनाए गए हैं। आईएएस चैतन्य प्रसाद बिहार के विकास आयुक्त बनाए गए हैं। वहीं आईएएस 1990 बैच के अफसर हैं चैतन्य प्रसाद। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आज ही सुबह में हमने इस खबर को दिखाया था कि आईएएस ब्रजेश मेहरोत्रा बिहार के नए मुख्य सचिव बनाए जा सकते हैं। और देखिए बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, इसको लेकर नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि अब बिहार के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। तो बिहार के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं ब्रजेश मेहरोत्रा। और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और हमारे सहयोगी अमित जी जुड़ गए। अमित जी, आज दिन में ही इस खबर को हमने चलाया था और अब मुहर लग गई है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल दीपक, हम लोगों ने सबसे पहले इस खबर को चलाया था कि इस बात की जानकारी जी आ रही है कि बड़ा फेरबदल कह सकते हैं कि जो नए मुख्य सचिव अब बनाए गए हैं ब्रजेश मेहरोत्रा, और इसके अलावा विकास आयुक्त जो है वो चैतन्य प्रसाद को बनाया गया है। और सबसे बड़ी खबर है कि जो इससे पहले जो आमिर सुबहानी थे मुख्य सचिव, उनको वीआरएस दिया गया। तो ये खबर सबसे पहले कशिश न्यूज ने चलाया था, हम लोगों ने चलाया था, उसके बाद इस बात की मुहर अब लग गई है जब सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, जिसका लेटर हम लोग दिखा रहे हैं अपने चैनल पे। तो इसमें साफ तौर पे लिखा है कि जो ब्रजेश मेहरोत्रा है वो अब बिहार के नए मुख्य सचिव होंगे, और कल से यानी चार मार्च से ये लागू होगा। जो लेटर में लिखा है कि 4 मार्च से ये प्रभाव में लागू होगा, तो ब्रजेश मेहरोत्रा अब नए मुख्य सचिव होंगे और विकास आयुक्त जो है चैतन्य प्रसाद होंगे। तो बड़ी जानकारी जो इस वक्त की आ रही है कि बड़ा फेरबदल किया गया है, जिसमें कि चैतन्य प्रसाद को विकास आयुक्त और ब्रजेश मेहरोत्रा जो है वो बिहार के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। दीपक, चलिए बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अमित आपका।